नमस्कार, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक फायदे की खबर है। देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और बिक्री दोनों ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ऑटो सेक्टर को इस बार आम बजट से काफी उम्मीदें थीं। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की भी मांग थी कि बैटरियों पर लागू होने वाले सीमा शुल्क, जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, उसमें थोड़ी राहत मिले। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरियों पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम करने की घोषणा की। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 18% से कम करके 13% कर दिया है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी कम होने से अब इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक कारों में जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है, उसमें लगने वाली लिथियम सेल भारत में नहीं बनते हैं। कंपनियां इन बैटरियों को इंपोर्ट करती हैं, जिस पर भारी टैक्स लगता है। साल 2020 में भारत में लिथियम आयन बैटरी का बाजार $1.66 बिलियन आंका गया था। ये 2022 से 2027 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 17.23% की CAGR के साथ बढ़कर $4.85 बिलियन होने का अनुमान है। आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय सड़कों पर 14 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, जो पिछले साल 4% से ज्यादा एडॉप्शन रेट के हिसाब से आगे बढ़ा है, जबकि 2019 में ये केवल 0.7% था। लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। ऐसे में आम बजट में बैटरियों के कस्टम ड्यूटी में छूट दिए जाने से इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्ते होने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार।